हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर टेक। मैं हरीश एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे, चार न्यू अपडेट आई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में। इसी के बारे में धमाकेदार यहाँ पे प्रस्तुति हुई है। चार नई नई जो फैसिलिटी है हमें सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में मिलने वाली है, उसी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। क्या न्यू फ्यूचर हमें सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में देखने को मिलेंगी, वो उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को फुल वॉच करें और उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में, कौन सी जो हमारी न्यू सर्विस जो है आई है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं पहली अपडेट की। तो देखिये, यहाँ पे आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में जो हमारा जो है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में आप महिंद्रा की गाड़ियां भी यहां पे आपको ई स्टोर में दे दी गई हैं। ब्लोरो स्कॉर्पियो भी आप यहां से परचेज सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैंने पहले भी चर्चा किया है कि सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में प्रतिदिन कुछ न कुछ नई जो प्रोडक्ट है यहां पे लॉन्च हो रही हैं, इसको इतना बढ़ाया जा रहा है पहले की अपेक्षा। यहाँ पे बहुत सारी स्टोर यहाँ पे आ गई हैं, नई नई प्रोडक्ट, नई नई जो फैसिलिटीज में ग्रामीण ई स्टोर में हमें देखने को मिल रही हैं। पर डे कुछ न कुछ जो प्रोडक्ट है इसमें लॉन्च हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे जो है अब हमें जो है सीएससी में महिंद्रा एंड महिंद्रा की व्हीकल जो है ई स्टोर में मिलेंगी। यहाँ पे जो है महिंद्रा से यहाँ पे पार्टनर से बात हो गई है, इसमें एमयू साइन जो है हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा का ब्लोरो स्कॉर्पियो गाड़ी भी हमें सीएससी ग्रामीण ई स्टोर में देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट ये है आधार से रिलेटेड, यूआईडी से रिलेटेड। अगर आपका आधार सेंटर है, आप यूसीएल में काम कर रहे हैं, अगर आप अपडेट कर रहे हैं आधार में या न्यू आधार जो है मैक बना रहे हैं, तो देखिए इसमें जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यूआईडीआई का, उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, यहाँ प्रति मंथ जो है यूआईडी के जो टीम है वो वेरिफिकेशन करेंगे आपके सेंटर की, कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप किसी भी कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, कैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ ऐसा अनलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं, वो पूरी छानबीन होंगी। और यहाँ पे मेंशन की गई है कि 150 VLE का जो है डैशबोर्ड जो है रिजेक्ट कर चुके हैं अभी तक, टिल डेट में अभी तक जो है 150 सेंटर जो है बैन हो चुका है। तो इस अगर आपका आधार सेंटर है तो जो भी UCL और UID का जो रूल रेगुलेशन CSE का है उसको फॉलो करके ही आप इसमें काम करें, क्योंकि हर मंथ यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है। तो अवेयर रहिए और जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है जो UID का, उसको फॉलो करके ही काम करें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो ये नोट कर लें और जो भी रूल रेगुलेशन के अनुसार ही कार्य करें। जो चार्ज है कस्टमर से वही चार्ज लें, अगर आप अनलीगल पकड़ाते हैं तो आपका जो सेंटर है वो बैन हो सकता है। दूसरी अपडेट ये थी। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तीसरी अपडेट ये है कि सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में ई सारथी एंड ई वाहन की जो सर्विसेस है पब्लिश कर दी गई है हमारे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में। ये बहुत बड़ी सर्विस है, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, चाहे वाहन से रिलेटेड बीमा जो हो गया इसका, RC का, एड्रेस चेंज का, चलान का, बहुत सारे इसमें फैसिलिटी आपको ई सारथी वाहन में मिलेंगी, और जिसके तहत आप अच्छी खासी कमीशन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें सर्विस आ जाती हैं ई सारथी ई वाहन में। तो इस ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब जो है अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कमीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इसमें बहुत सारे सर्विसेज हैं और बहुत सारे हम सर्विस इसमें यूज करते हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो ये बहुत बड़ी सर्विस होने वाली है और इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, इस आरथी से रिलेटेड, ई वाहन से रिलेटेड। आपको जो है प्लेलिस्ट हमारा जो है व्हीकल में मिल जाएंगी, कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, कैसे उसको RC करते हैं, कैसे आप
डुप्लीकेट आरसी निकालेंगे, मतलब जितनी भी होती है इसमें इंश्योरेंस कैसे करेंगे, पूरी डिटेल्स वीडियो आप हमारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। तो ये तीसरी अपडेट थी जो बहुत बड़ी सर्विस है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए और अच्छी खासी इसमें आपको कमीशन मिलेंगी। चौथी जो अपडेट है वो देख लेते हैं। चौथी जो अपडेट है देखिए, यहाँ पे CSE गवर्नमेंट जॉब सर्च का भी यहाँ पे ऑप्शन जो पोर्टल है यहाँ पे CSE में दी गई हैं। जो भी न्यू वैकेंसियाँ आती हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत अच्छी मतलब ये फैसिलिटी जो है CSE डिजिटल सेवा पोर्टल में दे दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉन्च की गई है कि अप्लाई ऑनलाइन रिक्वायरमेंट फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022, इसमें 861 वैकेंसी अवेलेबल है और इसका साइट डिटेल दी गई है। यहाँ पे जाके पूरी डिटेल्स जो है UPSC सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया पूरी डिटेल्स जो है देखिए यहाँ पे CSE पे आ गया। यहाँ पे एसेक्ट कॉपी और कस्टमाइज कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई है देखिए यहाँ पे आ गई डिटेल्स पूरा। यहाँ से आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। मिनिमम कई साल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और 32 ईयर तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई का स्टार्टेड डेट 2 फरवरी से है और लास्ट डेट जो है 22 फरवरी है। ये एक सर्विस मैन के लिए भी है, फिजिकल डिबिलिटी के लिए भी फिल कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ से अप्लाई करने का लिंक मिला है, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फाइंड जॉब एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो देखते हैं कौन कौन सी जॉब यहाँ पे दिखा रही है। तो देखिए यहाँ पे HP पुलिस कांस्टेबल की भी यहाँ पे दिखा रही है डिटेल। जूलॉजिस्ट का है एडवर्टाइजमेंट, फॉर पर्सनल असिस्टेंट हाई कोर्ट की तहत रिक्वायरमेंट आई है। तो ये बहुत बड़ी जो है हमें फैसिलिटी मिल रही है कि यहाँ से न्यू जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसका भी डिटेल्स आपको CSE डिजिटल सेवा पोर्टल में देखने को मिलेंगी। तो ये देख लिया आपने, 4 न्यू इम्पोर्टेंट जो है अपडेट आई है हमारे CSE डिजिटल सेवा पोर्टल में, जो बहुत खुशी की बात है कि हमें CSE डिजिटल सेवा पोर्टल में पर डे कुछ ना कुछ नई नई फैसिलिटी हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।